चांपा पुलिस की सक्रियता से किसान की गुम नकदी रकम 2,24,500 रुपए वापस मिली। किसान जीवनलाल राठौर साकिन पासित थाना सक्ती, जो कि धान की बिक्री रकम को केसीसी लोन का राशि 2,24,500 रुपए जमा करने अपने घर पासित से अपने थैले में रख कर यूनियन बैंक चांपा आ रहा था। रेलवे ओवरब्रिज क्रॉस कर रहा था कि ओवरब्रिज के पास थैला समेत नकदी रकम गिर गया, जिसकी सूचना थाना चापा में प्राप्त होते ही श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर अभिषेक पल्लव को घटना से अवगत कराकर अति पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अनिल सोनी एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्रीमती पद्मश्री तंवर के मार्गदर्शन में चापा पुलिस द्वारा ओवरब्रिज के नीचे जवाहर पारा चापा आसपास के लोगों से पता किया गया, जिसमें पता करने के दौरान शेफाली कर्ष सुलोचना महंत द्वारा स्वतः आकर बताए कि उन्हें पैसे से भरा थैला मिला है, जिसे थाना लाकर उनके द्वारा उक्त पैसा किसान जीवनलाल राठौर को सुपुर्द किया गया। उक्त बालिकाओं के द्वारा मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए गुड सेमेटेरियन होने का परिचय दिया है, जिससे प्रफुल्लित होकर किसान जीवनलाल राठौर द्वारा दोनों बालिकाओं को 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी गई एवं पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर अभिषेक पल्लव द्वारा उक्त बालिकाओं को उपहार देकर प्रोत्साहित किया गया है तथा भविष्य में भी इसी प्रकार नेक कार्य करने व पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। इस प्रकार चापा पुलिस की सक्रियता से किसान जीवनलाल राठौर की मेहनत का गुम पैसा उन्हें प्राप्त हुआ। उक्त कार्य में उप निरीक्षक नागेश तिवारी, प्रभारी आर अजय चतुर्वेदी, आरक्षक ईश्वरी राठौर, आर रोहित कहरा, महिला आरक्षक सविता पटेल का सराहनीय योगदान रहा। दिनांक 18/2/2022 को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पासीद थाना सक्ती क्षेत्र का निवासी किसान जीवनलाल राठौर, जो कि अपने यहाँ बैंक से पैसा निकालकर अपना केसीसी का जो लोन है वो पटाने हेतु यूनियन बैंक चांपा आ रहा था, इस दौरान मोटरसाइकिल में रखा हुआ थैला, जो कि चांपा के ही समीप ओवरब्रिज के समीप वहीं आसपास गिर गया। इस बात की सूचना उसके द्वारा थाने में दी गई। इसमें तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया एवं उनसे दिशा निर्देश प्राप्त कर मार्गदर्शन प्राप्त कर टीम को रवाना किया गया। लगातार आसपास के लोगों से इस संबंध में जानकारी ली गई, जिससे दो बच्चियों को मिलने की जानकारी प्राप्त हुई। उन बच्चियों से इस संबंध में पूछताछ करने पर उनके द्वारा स्वतः बताया गया कि उन्हें एक पैसे से भरा हुआ एक थैला मिला है और उनके द्वारा उक्त थैला जो बच्चियां हैं शेफाली कर्ष व सुलोचना महंत द्वारा उक्त पैसा थाने में लाकर उक्त किसान को वापस किया गया है। उन बच्चियों के द्वारा गुड सिमिलेरियन होने का परिचय दिया गया, जिससे पुलिस अधीक्षक महोदय ने उन्हें पुरस्कृत भी किया है एवं उक्त किसान के द्वारा भी उन्हें 10,000 रुपए की राशि देकर पुरस्कृत किया गया है। वह पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उक्त बच्चियों को समझाइश दी गई व उनसे अपील की गई कि भविष्य में भी लगातार ऐसे ही पुलिस का वो सहयोग करते रहें।